भगवान से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है आज मुझे। यहां तक फीलिंग आ रही है पूरे 30,000 दिलों के धड़कनों की। क्या एनर्जी है। मैं 15 घंटे फ्लाई करके आए हमारे सिर्फ रेस्टोरेंट थे, पिताजी की रेस्टोरेंट थी, मैं रेस्टोरेंट थे, अब एक भी नहीं है क्योंकि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको मैंने खूबसूरती से रेंट पे चढ़ाया हुआ है। और मार्केटिंग गुरु मानता हूँ क्योंकि मैं वो बिजनेस में हूँ जो दुनिया उसमें इन्वॉल्व है। इंदिरा जी का इवेंट है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, 30,000 बिजनेस मैन होंगे, तो आज लाइव नजारे दिखाऊंगा वहाँ के, चलते हैं। 30,000 बिजनेसमैन आ रहे हैं जिसमें विवेक ओबराय जी भी है, सीधा रूट पकड़ेंगे हम इंदिरा गांधी स्टेडियम का, तुमनगर, उसके बाद जनकपुरी ऐसे ही निकलते चले जाएंगे। और ये G20 हुआ था उसके बाद रोड का नजारा देखें, बिल्कुल ओपन हो गए हैं। और यहाँ पर जो अभी पहुँचते हैं थोड़ी देर में और वहीं पे मिलेंगे। ये नेहरू स्टेडियम के पास पहुँचे हैं, ये नजारा गए। और ई रिक्शा पकड़ा ना फुल, उसे लगता है पैसे दूंगे पर। दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद खड़ी हुई है ट्रैफिक के लिए। बारिश नहीं लगी है, टोटल डेकोरेशन गेट ये रहा सामने इंडिया गेट, ये रहा, ये देख सकते हैं इंडिया गेट। ये न्यू प्रगति मैदान है जो उसके नीचे अंडर पास है, ये देख सकते हैं क्या जबरदस्त है। हम पहुंच जाएंगे 5 मिनट में, पहुंचने वाले इंदिरा गांधी स्टेडियम। और आपको वहां का नजारा, काफी क्राउड है, मेरे पास फोन आए थे वहां पर कि काफी भीड़ है यहाँ, बहुत जबरदस्त भीड़ है, एंट्री होने काफी क्राउड है, ये देख सकते हैं अब भीड़ है काफी। और हम जा रहे हैं 6 नंबर गेट पार कर दिया, काफी भीड़ है, नजारा देख सकते हैं, सारे पैदल आ रहे हैं। काफी क्राउड है, भीड़ बहुत है, यह देख सकते हैं। बिट्टू सर सर यहाँ पर क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम बीके भारद्वाज, सुन पा रहे होंगे आप लोगों के पास में सब आदमी ने कॉल किया होगा, बताया होगा भैया विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, इग्नोर किया, आप जानते थे सब कुछ। आज देखिए भीड़ कितना है, 30,000 को छोड़ो भैया, 60,000 लोग यहाँ इवेंट में पहुँच चुके हैं। देखो ये बिट्टू सर है हमारे, और इन्होंने काफी फोर्स किया, सबको बताया, जागृत किया कि यहाँ पर इवेंट होगा, जाओ जाओ जाओ। इवेंट का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ठीक है, और शायद मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इवेंट किसी ने अभी तक कराया होगा। सर सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला 12 मिनट जी सर। ये हमारे वकील साहब हैं, ये वकील साहब है हमारे, पुलिस जो भी यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खुद हैरान है कि ये बंदा है कौन, इतना तगड़ा इवेंट अरेंज कर दिया, जिसने चक्का जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। 30,000 जी सर, मोदी जी ने एक टाइम पहले ये कहा था कि स्टार्टअप पे जोर डाला था जी,
वो आज समझ आ रहा है उन्होंने स्टार्टअप पे जोर क्यों डाला था। जब स्टार्टअप लोग खोलने लगेंगे तो रोजगार अपने आप दुनिया को मिलने लगेगा। बेस ही नहीं होगा, काम क्या करना है लोगों को पता ही नहीं होगा। बिंद्रा जी जैसे लोग जो कहा इस चीज में लगे हुए हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि आज से पहले तक लोग वेस्ट में जाके काम करते थे, वेस्ट वाले यहाँ आके काम करने लगे। अभी हमने एंट्री की है और पहुंचने वाले हैं, बिट्टू सर साथ में है, एकदम मजा आ रहा है। पहुंच रहे हैं अभी और बाकी पहली बार ऐसा हुआ है सर, है काफी क्राउड है, बहुत भीड़ है भैया जी। विवेक बिंद्रा जी है ना, तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। जहां विवेक बिंद्रा जी है वहां पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां से और कहां जाएंगे, वहां जाएंगे, अभी तो ये सब हुआ है, बहुत भीड़ लग रही है। हम लोग कैसे जाएंगे भैया? हमारे पास टिकट है या 10,000 रुपए के, लोग लाइन खड़े, लाइन में खड़े होंगे। अब आगे यहाँ गोल्ड क्या है, ये अरीना है, सिल्वर है। उनके जाना पड़ेगा, उनके उस पर जाना पड़ेगा ना, गोल्ड की लाइन यही है, देख सकते हैं जहाँ पे घेरा हुआ है। इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर है अभी हम, और ये बड़ा बिजनेस .com के जो देख सकते हैं, क्राउड काफी भीड़ है, अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, और अभी बताऊंगा आगे का नजारा। यही है सिल्वर वाला भैया जी, सेक्शन यही है। यस सर, लगी हुई है खाने पीने की भाई, इनकी बेरा भैया। गोल्ड के लिए आ जाओ मेरे साथ साथ, आ जाओ हम भी गोल्ड के लिए। काफी क्राउड हो गया है, स्टेडियम में भीड़ है, ये देख सकते हैं। हम अंदर पहुंच गए, एंट्री हो गई हमारी, लेकिन क्राउड है देख सकते हैं, बहुत अच्छा जबरदस्त। लेकिन हम बैठे बिट्टू सर के साथ, मैंने डाला है भीड़ है, और अभी शो चालू नहीं हुआ है। बाकी इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर ही है, आ रही है पब्लिक, अपनी अपनी सीट पे बैठते जा रहे हैं, काफी सीटें खाली है, लेकिन कैटगरी अलग अलग है। ये हमारी गोल्ड की कैटगरी है, सिल्वर है, डायमंड है, आगे जो सीट बैठी हुई ये देख सकते हैं। अरे बिट्टू भाई वो है क्या, टक्कर कोई नहीं सही है, ये फिल्टर लेते हो कि नहीं लेते? सीट एक भी बचा, एक भी सीट बची, अभी तो इतनी ही पब्लिक रहेगी, अभी एंट्री नहीं मिल रही। याद हूँ लोग गोल्ड सिल्वर में फिट हो गए, उन्होंने कर दिए
देख के पब्लिक। हाँ अरीना का जो मैं नक्शा बनाया था इन्होंने, अरीना बिल्कुल फर्स्ट क्लास है यहाँ डायमंड से भी अच्छा व्यू है। आगे पीछे की साउंड तो इसके ना करवाए बाहर आने के बाद ना वो पूरा जितना भी खराब लगा हुआ सब तोड़ दिया। हेलो हेलो अच्छा उत्तराखंड हिमाचल बिहार झारखंड ओडिशा गुजरात महाराष्ट्र बहुत बढ़िया। देखिए मैं आप लोगों के अटेंडेंस जो है यहाँ पर दर्ज करा रही हूँ करा दीजिए मेरी भी कभी कभी कम हो जाती है। तमिलनाडु वाह वाह केरला से कोई वाह सामने से आवाज आई दमदार आवाज वेरी नाइस। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो इंडिया से है ना आगे मेरे पीछे श्लोक बोले दूसरे था एक 58 श्लोक यदा तमहरते चायम कूर्मो अंगानि वसर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा कह रहे हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर खींचे। मेरी आपसे गुजारिश है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर पीछे साउंड आए नहीं तो हमारी एरिना की सीट बिल्कुल सेंटर में सामने में है। आप अगर चाहें हमारी टीम्स आपको हेल्प करके सामने के सेक्शन में पीछे लेके चली जाएंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पर आवाज़ नहीं आती आप पीछे के सेक्शंस में जो हमारे सेंटर सेक्शंस हैं जो एरिना सीट्स हैं आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। कैन वी मेक श्योर दैट आवर टीम्स कैन एक्चुअली हेल्प देम फ्रॉम द गेट्स व्हिच इज द एरिना सीट्स। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। तो कमिंग बैक में सिर्फ आपसे गुजारिश करने वाला था स्पॉन्ज जो होता है वो पानी पर तैरता रहता है हम दो दिन इस तरह निकाल सकते हैं हमें सब कुछ आता है। आई ऑलरेडी नो अ लॉट आई डोंट नीड टू नो मच मुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मुझे बहुत कुछ आता है। क्या बदलेगी आधा की लड़का एकदम एक्शन से बदलेगा परसेप्शन क्या बदलेगा गिव योर हैंड आउट कम ऑन मोशन से बदलेगा इमोशन क्या बदलेगा इमोशन। इधर टेबल ले आओ टेबल टेबल इधर टेबल नहीं नहीं राइट कम ऑन गिव मी द प्रेजेंटर द टेबल स्केल नया है क्या नया है स्केल। तो आज हम स्केल की बात करेंगे कि स्केल तक कैसे पहुंचे और बिजनेस को सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे। तीसरा स्टेज ऑर्गेनाइजेशन
उसके बाद आप आजू बाजू अपनी कम्युनिटी खड़ी करते हैं जो आसपास है, हाथ आगे लाइए, पर्सनल, इंटरपर्सनल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, फिर कम्युनिटी। तो जो लोग केवल पर्सनल तक रहते हैं या इंटरपर्सनल तक रहते हैं, ये सेल्समैन बनते हैं, ये सेल्समैन बनते हैं। उसके बाद ये बिजनेसमैन बनते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर पाते हैं। पर आजू बाजू जो बिल्ड कर जाता है वो कम्युनिटी खड़ी करता है, और ये कैसे खड़ी करता है, इन चारों को एक कॉमन पर। भारत माता की, भारत माता की, ये हुई ना बात। बात तो भगवान से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है आज मुझे, यहां तक फीलिंग आ रही है पूरे 30,000 दिलों के धड़कनों की। क्या एनर्जी है। मैं 15 घंटे फ्लाई करके, कितने 15 घंटे फ्लाई करके आया हूं, क्योंकि मेरे भाई ने, मेरे हमनाम, आई लव यू टू ब्रो, उन्होंने कहा भाई आपको आना ही भले ही कुछ घंटों के लिए आना है, मैं आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूं सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने के लिए। स्कॉटलैंड की शूटिंग छोड़कर मैं यहां आया हूं आपसे बात करने। अभी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने इस तरह से अचीव की। सेकंड क्या कॉस्ट आई उनकी, लेबर। अब एक एडवांटेज ये था कि देवर इन अ टैक्स फ्री ज्यूरिसडिक्शन, तो हमें क्या सोचना है इसमें से, सीखना क्या है कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में हम हैं, जिस स्टेट में हम धंधा कर रहे हैं, जिस देश में हम धंधा कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को हमको स्टडी करना है कि मुझे इसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मेरे कंपेटिटर के साथ क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अब चाइना की सप्लाई चेन को रिप्लेस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, तो हमारे क्या एडवांटेजेस है ओवर चाइना। इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया कि हम टैक्स फ्री ज्यूरिसडिक्शन में, तो उन्होंने अपनी सैलरी प्राइसिंग बेहतर होते जाओगे एड कंटेंट, और ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि आप नंबर्स छोड़ो, जितनी सारी चीजें हम सीखोगे वो तीनों। आप मैन पावर रिक्रूटमेंट के बिजनेस में हो, अपन से गाते हो, कराते हो, वो करते हैं, वो सीखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जब आप काम कर रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखना, ट्रीट योर एम्प्लॉइज एज इफ यू एक्सपेक्ट देम टू ट्रीट यू। अपने मैन पावर को ऐसे व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो वो आपके साथ करें। दूसरी चीज, प्रेशर अगर ज्यादा है कोई जूनियर पोजीशन पे, तो उसको आप कुछ हद तक फैक्टर कर सकते हो, सीनियर नहीं जाना चाहिए, मैनेजर ने बहुत कम दे देना थोड़े, वो आपके साथ स्टेबल रहने चाहिए। हाथ आगे लाइए, कहते रहेंगे कि एम्प्लॉई की ज्यादा तारीफ करो तो वो सर पे चढ़ जाता है। तीनू ऐसा होता है, यस नो, कम ऑन नाउ, यस नो, तीनू वो स्कूल के एग्जाम का साइकिल बदल देते हैं। बाकी जगह होता है मार्च, अप्रैल से मार्च, बात समझ आ रही है। ये क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं अक्टूबर से सितंबर। हाथ आगे नहीं, क्यों गाइस आउट ऑफ कम ऑन, सितंबर में साल कंप्लीट हुआ, अब कहीं और एडमिशन होगा नहीं बीच में। और अगर मार्च में चला गया, तारीफ होती है और सही करो तारीफ होती है, ये समझ में आ गया ना, तो आप तो जानते हो जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी व्यवहार को दोहराया जाएगा बार 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 बार। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी व्यवहार को दोहराया जाएगा बार बार। ए ऑडियंस कम ऑन, इंदिरा गांधी स्टेडियम, लाउडर। जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार उसी व्यवहार को दोहराया जाएगा बार 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 बार। क्या अर्थ हुआ, मेरे यहां एक पहले एम्प्लॉय थे हमारी कंपनी के, मैं बात कर रहा हूं 2014 की, थोड़े से एम्प्लॉय थे कंपनी में, छोटी कंपनी थी, फहद सर।
वहाँ का देख सकते हैं हम। एक मिनट भाई, दबा तो बनाओ भाई, ये ले ले भाई, कह रहे पूरी वीडियो बना लो, ये भाई नीचे पब्लिक बैठी है। आपसे सवाल पूछे और बहुत क्वेश्चन पूछे आपसे। अब एक मेरा क्वेश्चन, एक बात कहूं उससे पहले, देखिए मैं कंटिन्यूस अपनी वाइफ से कह रहा था कि यार आई